देखिए, ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन को एनफोर्समेंट करा रही है पुलिस। तो उसमें ही हमारे मोरना जो थाना भोपा में आता है, मोरना चौकी इंचार्ज और उनके साथ दो कांस्टेबल्स थे। मोरना गांव में पूर्व प्रधान है नाहर सिंह, उसके घर पे काफी भीड़ थी। तो उनको समझाया जा रहा था कि भाई लॉकडाउन है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, दूरियां बना के रखें। उसी बीच में इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल्स घायल हुए हैं, और उसमें क्या कहते हैं 10-15 लोग थे, और उसके अलावा भी अन्य लोग थे इसमें। तो उसमें से नाहर सिंह और जो उसके लड़के हैं, उनकी दो पत्नियां थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब लोग हमले में शामिल थे। तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है, बाकी लोगों के लिए अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। हालत कैसी है सर, गंभीर जो है? सब इंस्पेक्टर है हमारे, वो क्रिटिकल है। उसके अलावा दो कांस्टेबल्स हैं, उनको भी चोटें आई हैं, बट वो ठीक है। सब इंस्पेक्टर को मेरठ रेफर किया गया है। कितनी गिरफ्तारी हुई है सर इसमें? इसमें अभी तक तीन गिरफ्तारी हुई है। जो पूर्व प्रधान जिसका वो घर था वो गिरफ्तार हुआ है, उसके लड़कों की जो पत्नियां थी, जो महिलाएं इसमें शामिल थी, दो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। टोटल तीन गिरफ्तारी हुई हैं, बाकी हमारी टीम अभी लगी हुई है गिरफ्तारियां करने में। देखिए, वो सारी चीजें अभी चेक की जा रही है, चेक करके आपको बताएंगे।